ये है चाइना की गोईजोउ वैली। ये 565 मीटर गहरी है और इसे पृथ्वी में बनी दरार कहते हैं। इस विशाल खाई ने लोकल कम्युनिटी को सदियों से अलग कर रखा है। न्यूयॉर्क की आर्किटेक्ट वेंडी फॉक इस दूर दराज इलाके में ये देखने आई हैं कि कैसे आज की इंजीनियरिंग से वो काम हो रहे हैं जो हमें नामुमकिन लगते थे। यहाँ का नजारा वाकई बहुत खूबसूरत है। ये इस वैली को पार करने के मुश्किल सफर पर निकली हैं। ये बहुत ही मुश्किल सफर है क्योंकि रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ हैं और इस काउंटी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का ये रास्ता ही इकलौता रास्ता है। ये 5 घंटे का रास्ता है जिसमें इंसान परेशान हो जाता है। इस तरफ की खड़ी ढलान और दूसरी तरफ की खड़ी चढ़ाई पर का सफर खतरनाक है। ये रास्ता खतरनाक है क्योंकि यहाँ कई सारे पत्थर और बगल में गहरी खाई है। यहाँ लैंडस्लाइड्स भी होती हैं और रास्ते के बगल में बड़ी चट्टानें हैं जिनकी वजह से ड्राइवर्स को संभल कर ड्राइव करना होता है। ये खाई यहाँ के लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत है। गुइजोउ के इस हिस्से में लगभग 350 करोड़ लोग रहते हैं और इन टेढ़े मेढ़े और मुश्किल रास्तों की वजह से यहाँ के किसानों के लिए अपनी फसल बाहर ले जाकर बेचना बहुत मुश्किल है और इसी वजह से ये चाइना के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। ये परेशानी हल करना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ खाई आधे किलोमीटर से ज्यादा गहरी है और ऐसी जगह पर ब्रिज कभी नहीं बना है। वादियों में सफर करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। दूसरी शताब्दी बीसी में हिमालय में सिल्क ट्रेड के लिए बनी सड़क में 100 हेयरपिन्स जैसे घुमावदार रास्ते थे, पर ऐसे रास्ते आज की गाड़ियों के लिए ठीक नहीं है। 1936 में बनाना हॉइस्ट से इंस्पिरेशन लेकर इंजीनियर जेम्स कॉरन ने सबसे पहली चेयर लिफ्ट बनाई थी, जो स्कीयर्स के लिए अच्छी थी लेकिन गाड़ियों के लिए नहीं। और 1974 में ईविल कनीवल ने स्नेक रिवर कैनियन को रॉकेट से पार करने की कोशिश की, पर वो भी कामयाब नहीं हुए। चाइना के इंजीनियर्स ने इस परेशानी का जो हल निकाला है वो लाजवाब है। ये है बेईपैनजियांग फर्स्ट ब्रिज। इसका डेक जमीन से 565 मीटर ऊपर है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इस ब्रिज के नीचे खड़े होकर इसका नजारा कुछ और ही होता है। ये खूबसूरत और ये कमाल की बात है कि ये कितना ऊंचा है और कितने नीचे तक जाता है। ये 1.3 किलोमीटर लंबा है और केबल्स पर टिके दुनिया के सबसे लंबे ब्रिजेस में से एक है। इस जगह पर ब्रिज बनाना नामुमकिन लगता है, ये बहुत चुनौती भरा है। लियो बो इस ब्रिज के डेप्यूटी चीफ इंजीनियर हैं। तो ये है बेईपैनजियांग ब्रिज। पैदल चलने वालों का यहाँ आना मना है, पर ये दो साथियों को इसे दिखाने लाए हैं। ये बहुत ऊंचा है। हाँ, बहुत ऊंचा है। हाँ, जब हम यहाँ आए थे तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बहुत तो मुश्किल हो गया था। हाँ हाँ, तो कैसा लग रहा है? हाँ, यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये अमेजिंग है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और इस ब्रिज को इससे पहले मैंने सिर्फ कंप्यूटर पर देखा था, पर असलियत में ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। ये ब्रिज दो बेहद बड़े कंक्रीट टावर्स से बना है, जिनमें से बड़ा वाला 269 मीटर ऊंचा। ब्रिज का ये 20,000 टन का डेक लंबाई में 5 टाइटैनिक्स जितना है। ये इतना ऊंचा है कि न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसके नीचे आ जाए। ये डेक टावर्स से 400 किलोमीटर के केबल से जुड़ा है, जो लंदन से एम्स्टरडैम तक के रास्ते जितने लंबे हैं। दुनिया में इसके जैसा और कोई ब्रिज है ही नहीं। लेकिन इस अनोखी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए टीम को कई इंजीनियरिंग चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था।
कोई इतने ज्यादा ऊंचे कंक्रीट टावर्स कैसे बना सकता है? कंक्रीट को इतने नीचे से इतने ऊपर पंप करके भेजना बहुत मुश्किल है। इसके कंस्ट्रक्शन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इतने खतरनाक इलाके में इतना लंबा ब्रिज रैक आखिर कैसे लगाया जा सकता है? यहाँ पर वादियाँ इतनी गहरी हैं कि नीचे की जमीन दिखाई भी नहीं देती। एक ब्रिज डेक के लिए इतनी ऊंची टेम्पररी स्कैफोल्डिंग कैसे बनाई जाए? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खड़ी वादियाँ जो छुपी हुई गुफाओं और गिरने वाली चट्टानों से भरी हैं, वहाँ किस तरह का ब्रिज बनाए? इस जगह ब्रिज बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं। नामुमकिन लगने वाले इंजीनियरिंग के कारनामों को करने के लिए टीम को पुराने जमाने की खोजों से प्रेरणा लेनी होगी। ये इंजीनियरिंग के इतिहास का हिस्सा है। एक बेहद नए टाइप का ब्रिज है जो उस वक्त लोगों ने सोचा नहीं था कि बनाया जा सकता है। ओह वाओ, क्या नजारा है। हमारे ऊपर से ट्रेन जा रही है और नीचे बहुत गहराई है। ये चाइना के गुईजू और युएननान रीजन्स हैं। इन्हें सदियों से इस खाई ने अलग किया है, लेकिन अब नहीं। ये है बाईपैनजांग फर्स्ट ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। ये ब्रिज लंबाई में 1.3 किलोमीटर का है। इसके टावर्स वादी की जमीन से 750 मीटर ऊपर तक जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मिलाकर भी इतने ऊंचे नहीं होंगे। लेकिन इस विशाल ब्रिज को बना पाने से पहले इंजीनियर्स को यहाँ की जानलेवा जियोलॉजी से जीतने की जरूरत थी। और ट्रक्स। आर्किटेक्ट वेंडी फॉक नीचे की खाई को देखने गई हैं। इस इलाके में पाई जाने वाली चट्टानें बहुत ही सॉफ्ट हैं और यहाँ खड़ी ढलान है। और उससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ पर पूरे पहाड़ में कई छिपी हुई गुफाएं और दरारें हैं, इसलिए इंजीनियर्स के लिए यहाँ ब्रिज डिजाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है। समस्या ये है कि ज्यादातर लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस को चट्टानों पर बने सपोर्ट एंकर्स का सहारा लगता है। आर्क ब्रिज पर पड़ता वजन उसे नीचे दबाता है और ब्रिज का कर्व्ड शेप इस दबाव को साइड में भेजता है, इसलिए नीचे उन्हें बहुत बड़े एंकर्स की जरूरत होती है। जबकि सस्पेंशन ब्रिज में डेक दो केबल्स पर टिका होता है और उन्हें भी टूटने से बचाने के लिए विशाल एंकर्स की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ के लैंडस्लाइड्स में बार बार गिरने वाली सॉफ्ट चट्टाने ऐसे विशाल एंकर्स को संभाल नहीं सकती। डेप्यूटी चीफ इंजीनियर लियू बो के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत ही किस्म की जियोलॉजी है। ये है लाइमस्टोन रॉक। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी गुफाएं और चट्टाने और दरारें हैं। इस तरह गुफाएं ब्रिज फाउंडेशंस को कमजोर बनाने का काम करती हैं। ब्रिज डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे काफी सारे इंजीनियर्स परेशान हो जाते हैं। इसका हल बस यही है कि ऐसी ब्रिज डिजाइन बनाएं जिसे एंकर्स के सहारे की जरूरत ना पड़े। तो इस टीम को बीते कल की खोजों से सीख लेने की जरूरत है। हम इस सुहानी सुबह के वक्त बोट पर बैठकर थेम्स रिवर से होते हुए लंदन घूम रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। फिजिसिस्ट एंड्रू स्टील लंदन को एक नए नजरिए से देख रहे हैं। जरा इस बेहद खूबसूरत स्ट्रक्चर को देखो। यहाँ का मशहूर टावर ब्रिज है ये। बोट में बैठकर इसे देखना बड़ा ही मजेदार है। ब्रिटेन के इस कैपिटल में कई अलग अलग तरह के बेमिसाल ब्रिजेस हैं, जो चाइना की टीम को आइडिया दे सकते हैं। ये है ब्लैक फ्रायर्स ब्रिज। ये एक आर्च ब्रिज है जो 1869 में बनाया गया था। इसके नीचे से हमें ये खूबसूरत रॉट आयरन रिब्स दिखाई दे रही है जिनके सहारे पूरा ब्रिज टिका हुआ है। और ये है चेल्सी ब्रिज। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। आपको इसके ऊपर वो बड़ा सा लाल केबल दिख रहा है, वही इसका मेन केबल है। इन विशाल ब्रिजेस के अलावा ऐसे ब्रिजेस भी हैं जो मशहूर नहीं हैं,
उनमें से एक ब्रिज दुनिया का सबसे जरूरी ब्रिज है। ये इंजीनियरिंग के इतिहास का खास हिस्सा है, बिल्कुल आज के जमाने के ब्रिज जैसा। उस वक्त लोगों ने सोचा नहीं था कि ये बना पाएंगे। 1873 में बनाया गया ये है अल्बर्ट ब्रिज। इंजीनियरिंग के नजरिए से देखा जाए तो इसे बनाने में बहुत आइडियाज लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट कॉलम्स हैं और ये कर्व केबल्स और स्ट्रेट केबल्स हैं। ये कुल मिलाकर 216 मीटर लंबे हैं और मेन स्पैन 137 मीटर का है। अल्बर्ट ब्रिज को ब्रिटिश इंजीनियर रोलैंड मेसन ऑडिश ने डिजाइन किया था, जो एक नामुमकिन दिखने वाला काम करना चाहते थे। विक्टोरियंस ने पहले भी कई अलग अलग किस्म के, लेकिन एक ऐसी डिजाइन थी जो वो लोग बना ही नहीं पा रहे थे। उसे कहते हैं केबल स्टेट ब्रिज, और ये आइडिया असल में कई सदियों पुराना है। 16वीं सदी में सबसे पहली बार केबल स्टेट डिजाइन को सामने लाया गया था, जबकि तब तो केबल्स का आविष्कार भी नहीं हुआ था। एक केबल स्टे ब्रिज की डिजाइन ऐसी होती है कि उस पर पड़ने वाला जोर केबल्स अपने साथ ऊपर ले जाते हैं और वहां से वो टावर से नीचे जाता है। इस तरह से इसे किनारे पर एंकर्स नहीं चाहिए, लेकिन 19वीं सदी में कोई भी कभी केबल स्टेट ब्रिज नहीं बना पाया था, क्योंकि उस पर पड़ने वाला जोर एक कॉम्प्लेक्स तरीके से पड़ता है। प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल थी। आप ही सोचिए, इस केबल स्टेट ब्रिजेस पर पड़ने वाली फोर्सेस को कैसे कैलकुलेट करें? यहाँ पर अलग अलग एंगल्स पर कई सारे केबल्स लगे हुए हैं जो ब्रिज को होल्ड करता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाएं? एक केबल पर अगर बहुत ज्यादा जोर पड़ गया तो पूरा का पूरा ब्रिज तबाह हो सकता है। 200 सालों तक लोग यही सोचते रहे कि केबल स्टे ब्रिज कभी बनाया ही नहीं जा सकता। ऑडिश को केबल स्टेट ब्रिज बनाने से जुड़े खतरों का पता था, तो अल्बर्ट ब्रिज को बनाने के लिए उन्होंने इसे अकलमंदी के साथ सस्पेंशन ब्रिज से मिला दिया। अब यहाँ ऊपर से हम देख सकते हैं कि ये ब्रिज कैसे काम करता है। हम इसके बीच में खड़े हैं, ये इसका मेन सस्पेंशन ब्रिज वाला हिस्सा है, और यहाँ पर है छोटे सस्पेंडर्स, आप देख सकते हैं, और ये है मेन केबल जो पूरे ब्रिज को जोड़ने का काम करते हैं, जिससे ब्रिज को पूरी तरह से सपोर्ट मिल जाता है। और आखिर में ये चीज इस ब्रिज को सबसे स्पेशल बनाती है। देखिए, ये केबल स्टेज है। इस एंगल से साफ दिखता है कि ये क्या करते हैं। ये इस पर पड़ने वाला वजन थोड़ा बांट लेते हैं और उस वजन की फोर्स को उन टावर्स में भेज देते हैं। इस एक ब्रिज में दो ब्रिज हैं। ऑडिश की अनोखी डिजाइन का यही सबसे कमाल का आइडिया है। अल्बर्ट ब्रिज के रूप में पहली बार एक केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया था, जिसे एंकर्स की जरूरत नहीं थी, और चाइना के इंजीनियर्स को ऐसा ही ब्रिज बनाना था। ऑडिश के ऐसा ब्रिज बनाने में कामयाब होने पर इंजीनियर्स इस डिजाइन को एक नए नजरिए से देखने लगे थे, और जो पहले नामुमकिन था अब अचानक मुमकिन हो गया। आजकल केबल स्टेट ब्रिजेस एक आम बात है। तो आज के जो मॉडर्न केबल स्टेट ब्रिज हैं, वो ऑडिश जैसे अकलमंद लोगों की वजह से हैं, जिन्होंने 150 साल पहले ये साबित किया कि ऐसे खूबसूरत और बेहद कॉम्प्लेक्स ब्रिज को बनाना अब मुमकिन है। चाइना में इंजीनियर्स ने ऑडिश की इस अनोखी खोज को 21वीं सदी के हिसाब से बेहतर बनाया। और एक ऐसा केबल स्टे ब्रिज बनाया जिसे अब दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहते हैं। वेंडी को इंजीनियरिंग के इस अजूबे पर जाने का मौका मिला है। ये ब्रिज अमेजिंग है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे इस पर चढ़कर इस केबल स्टे ब्रिज को खुद करीब से देखने का मौका मिल रहा है। यहाँ का नजारा आपके होश उड़ा देगा। ये हैरानी की बात है कि ये ब्रिज केबल्स पर टिका हुआ है और इन अमेजिंग टावर्स पर भी जो हमारे अगल बगल में है। तो इस ब्रिज का कोई एंकर नहीं है, इस जगह पर केबल स्टे डिजाइन ही ब्रिज बनाने का इकलौता रास्ता है। इस पर 20,000 टन की डेक का वजन पड़ेगा जिसे जाया जाएगा, और टावर से होते हुए ये जोर इसकी फाउंडेशन पर पड़ने वाला है, तो एंकर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने केबल लगाना इंजीनियर्स के लिए बहुत भारी काम था।
असल में अंदर की तरफ लगने वाले कई छोटे और केबल्स को मिलाया जाता है और फिर उन्हें नीचे बने एंकर पॉइंट से जोड़ दिया जाता है। पहले एक केबल स्ट्रैंड को वाटरप्रूफिंग केसिंग में डाला जाता है, फिर इसे किसी एक टावर से जोड़ दिया जाता है और फिर इसे एक ब्रिज डेक से जोड़ते हैं। फिर केसिंग में बाकी दूसरे स्ट्रैंड्स डाले जाते हैं। ऐसे 43 स्ट्रैंड से एक केबल बंडल बनता है, जिनमें से सबसे लंबा बंडल 382 मीटर का है। हर बंडल को पहले से कैलकुलेट किए स्ट्रेन पर कसा जाता है। इस ब्रिज में सही केबल्स और सही टेंशन बनाए रखना जरूरी होता है, इसलिए हर केबल के अंदर एक गेज होता है जो ब्रिज में आने वाला कांस्टेंट टेंशन कैलकुलेट करता है। अगर कोई भी स्ट्रैंड केबल टूट जाता है तो कंट्रोल सेंटर के इंजीनियर्स को तुरंत पता चल जाता है ताकि वो उसे बदल सके। केबल्स को ब्रिज के किनारे पर लगाने से सारी बर्फ नीचे खाई में जाकर गिरती है। इस वजह से सर्दियों में भी इस बेहद जरूरी ब्रिज को बंद नहीं करना पड़ता। आधे किलोमीटर की ऊंचाई वाला ये बेईफैनजांग फर्स्ट ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। ये 1.3 किलोमीटर लंबा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। लेकिन ऐसे अनोखे स्ट्रक्चर को बनाने में इंजीनियर्स को और कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इन टावर्स को बनाने के लिए इंजीनियर्स को इसमें ऊपर तक कंक्रीट भरने की जरूरत थी, ये सोचकर दिमाग चकराता है। ऐसे नामुमकिन स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इस टीम को बीते कल की खोजों को फिर से देखना होगा। ये इंजीनियरिंग के इतिहास की बहुत स्पेशल जगह है, बहुत कम लोगों को यहाँ आने का मौका मिलता है। ये है चाइना की ग्वीजो वैली, जिसे पृथ्वी में बनी दरार कहते हैं। इसे पार करने के लिए इंजीनियर्स एक नामुमकिन काम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना रहे हैं। बेईफैनजांग फर्स्ट ब्रिज लाखों लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसका मेन स्पैन 720 मीटर बड़ा है। ये एक बेहद विशाल केबल स्टेड ब्रिज है। लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने में कई खतरनाक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आर्किटेक्ट वेंडी फॉक न्यूयॉर्क से इंजीनियरिंग के इस अनोखे करिश्मे को देखने आई हैं। ये ब्रिज बहुत ही लंबा है और एक केबल स्टेड ब्रिज कभी भी इतना लंबा नहीं होता। इतना लंबा केबल स्टेड ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ सब कुछ कनेक्टेड है, एक चीज को कुछ हुआ तो बाकियों पर भी असर होगा। मान लीजिए मेरे हाथ ये केबल्स हैं और जैसे जैसे ब्रिज की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे केबल्स का एंगल और कम होता जाएगा, और ये खतरनाक बात है क्योंकि इससे डेक पर बोर्ड्स के लिए 30 से 40 डिग्री का एंगल सबसे सही होता है, और इतना बड़ा ब्रिज बनाने के लिए एक ऊंचे टावर की जरूरत पड़ेगी। मतलब जितना लंबा ब्रिज उतना ही ऊंचा टावर। ये बहुत ही लंबा ब्रिज है जिसे बहुत ऊंचे टावर्स की जरूरत पड़ती है, जिससे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। इन टावर्स को बनाने के लिए इंजीनियर्स को इसमें ऊपर तक कंक्रीट भरने की जरूरत थी, ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। तो इतने ऊंचे कंक्रीट टावर्स कैसे बनाए जाएं? इसका जवाब बीते कल की अनोखी खोज में छिपा है। मैं यहाँ आकर बहुत एक्साइटेड हूँ। ये इंजीनियरिंग के इतिहास की बहुत स्पेशल जगह है, बहुत कम लोगों को यहाँ आने का मौका मिलता है। फिजिसिस्ट सूजी शी इंग्लैंड के साउथ में बने हैम्पशायर में हैं। शुक्र है हमने लिफ्ट नाम की चीज बनाई है। 330 सीढ़ियां हैं और मैंने आधी भी नहीं चढ़ी है अभी। उन्हें इंजीनियरिंग के इतिहास के एक कम मशहूर पर जरूरी हिस्से को देखने का मौका मिला है। 1860 और 70 में लोग कंक्रीट से बहुत सी चीजें बना रहे थे, लोग उससे मूर्तियां और दूसरी कई चीजें, लेकिन कभी भी किसी ने कंक्रीट का टावर बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की थी। सबको लगता था कि वो अपने वजन से ही टूट जाएगा।
लेकिन एक इंसान सबको गलत साबित करना चाहता था। आहा, आखिरकार हम पहुंच गए। ये है स्वे टावर। वाह, क्या नजारा है। ये पूरे 67 मीटर ऊंचा है। जब ये 1885 में बना था तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट स्ट्रक्चर था। मुझे यहाँ से पूरा जंगल दिखाई दे रहा है, समंदर भी दिखाई दे रहा है। ये कमाल है। मैं हर तरफ कई किलोमीटर तक देख सकती हूँ इन खूबसूरत खिड़कियों से। नजारा लाजवाब है। मेरी मेहनत वसूल हो गई। स्वे टावर को एंड्रू पीटरसन ने बनाया था, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जिन्हें आर्किटेक्चर का बहुत। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पूरा स्ट्रक्चर पीटरसन ने बनाया था, जबकि उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। बिना सिविल इंजीनियरिंग पढ़े ये बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। चाइना के बेपैनजांग ब्रिज के इंजीनियर्स की तरह ही पीटरसन को एक ऊंचा कंक्रीट टावर बनाने का तरीका चाहिए था, और उन्होंने जो कमाल का आइडिया सोचा उसने सारी दुनिया को बदल दिया। कमाल की बात है कि पीटरसन ने सिर्फ 3 मोल्ड से ये पूरा टावर बनाया था। ये आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा नॉन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर है। कमाल की बात यह है कि इसमें अब भी वो निशान दिखते हैं जहां एक के बाद एक नए लेयर्स बनाए गए थे, और ऐसे ही हर लेयर को बनाने के लिए 2 दिन लगते थे, और फिर 2 दिन नीचे का मोल्ड ऊपर ले जाने में। इस तरह इसे बनाने में 6 साल लगे। देखिए यहां 2 लेयर्स के बीच में लाइन दिख रही है। चाइना के बेपैनजांग फर्स्ट ब्रिज के इंजीनियर्स पीटरसन के अनोखे कंस्ट्रक्शन मेथड को एक नए लेवल पर ले गए हैं। ये हैं 2 विशाल टावर्स, जिनमें से लंबा वाला 269 मीटर का है। ये सही मायनों में आज के इंजीनियरिंग मेगा स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्ट्रक्चर पहाड़ जैसा है, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक ये कितना विशाल है। ये इतने लंबे हैं कि इनके सामने हम चींटी लगते हैं, और ये सच में इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है जिन्हें देखकर पूरी तरह से यकीन ही नहीं होता। लेकिन इन टावर्स को बनाने से पहले इंजीनियर्स को पता लगाना था कि वो 1,20,000 टन कॉन्क्रीट कैसे बनाए। बेपैनजांग ब्रिज के डायरेक्टर जो पिंग को भी इसी परेशानी का हल निकालना था। ऐसा ब्रिज बनाने के लिए हमें कई टन कंक्रीट चाहिए था, और इतना कंक्रीट बनाने के लिए ढेर सारी रेत। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर नेचुरल रेत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे निपटने के लिए उन्होंने यहाँ के मुश्किल हालात का फायदा उठाने का सोचा। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोगों ने लाखों टन मैनमेड सैंड बनाई। आप देख सकते हैं हमने बड़ी चट्टानों को पीस कर इस काम के लिए ये रेत जैसा बना लिया है। इस तरह चट्टानों को पीस कर रेत बनाना एक कमाल का आइडिया है, और इससे एक और फायदा भी होता है। हम मैनमेड सैंड का साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अलग अलग स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट बना सकते हैं। आखिरकार टावर्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। हजारों स्टील बार्स से एक ग्रिड बनाकर इस कंक्रीट को मजबूत बनाने का काम किया जाता है। स्वे टावर की तरह ही ऐसे सुपर टावर्स बनाने के लिए क्लाइंबिंग फॉर्मवर्क इस्तेमाल होता है। इन टावर्स को बनाने के लिए इंजीनियर्स को ऐसे मोल्ड बनाने पड़े, और उसके बाद उन्होंने मोल्ड में कंक्रीट डालकर उन्हें लोगों को लगाकर खड़ा किया, और इस तरह उसे एक एक सेक्शन करके बनाया। इन मोल्ड्स को मैन्युअली लगाने से ये काम पूरे कंट्रोल के साथ होता है, और इसीलिए इंजीनियर्स इसे एक एच शेप डिजाइन दे पाते हैं। टावर जितना ऊंचा होगा काम उतना मुश्किल होगा।
शुरुआत में कंक्रीट को विशाल वैट्स में रखकर टावर क्रेन से उठाया जाता है, पर ज्यादा ऊंचाई पर पंप की जरूरत होगी। मैनमेड सैंड नेचुरल सैंड से थोड़ी ज्यादा रफ होती है, इसलिए इसे टावर के ऊपर तक पंप करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हमें एक बड़े प्रेशर पंप से इसे ऊपर तक पंप करना पड़ेगा। एक हाई पावर्ड पंप इस्तेमाल करके ग्रेविटी के खिलाफ इस कंक्रीट को 270 मीटर की हाइट पर भेजा जाता है। यार, ये टावर्स तो खत्म ही नहीं होते हैं और इनका ऊपर का हिस्सा तो दिखाई नहीं दे रहा। ये बेहद कमाल के हैं। इन दोनों विशाल टावर्स को ऊपर तक बनाने में 46,000 क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट इस्तेमाल हो चुका था और ये जैसे आसमान को छू रहे थे। और हमें अभी भी मोल्स की वजह से बनी हुई लाइंस नीचे से ऊपर तक दिखाई दे रही हैं और ये बहुत ही कूल बात है। इस टावर को अंदर से देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरी आवाज भी गूंज रही है। इन बेहद विशाल टावर्स की वजह से ये केबल्स ऐसे एंगल पर रहते हैं कि ये आसानी से इस भारी ब्रिज डेक का वजन उठा पाए। इस ब्रिज को इतना लंबा बनाने के लिए इन टावर्स को इतना ऊंचा बनाना जरूरी है। इंजीनियर्स ने ये काम करके दिखाया है। पर इस विशाल खाई पर ब्रिज बनाने के रास्ते में आने वाला सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी है। ये लगभग 565 मीटर गहरा है और इतनी ऊंचाई तक एक स्कैफोल्डिंग बनाना नामुमकिन है। इस समस्या से निपटने के लिए भी इस टीम को बीते कल की खोजों का सहारा लेना होगा। गुईजो, चाइना का सबसे गरीब इलाका। इस गहरी खाई की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इस परेशानी का हल है द बेई पैनजैंग फर्स्ट ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा। ये 269 मीटर ऊंचा ब्रिज है, यानी कि न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर से भी कई ऊंचा। ये दो टावर्स 224 केबल्स पर टिके हैं, जिनकी कुल मिलाकर लंबाई 400 किलोमीटर है, जो पैनामा कनाल से 5 गुना लंबा है। इंजीनियर्स को इस ब्रिज बनाने के सबसे खतरनाक हिस्से का सामना करना है, यानी ब्रिज डेक को बनाना। स्कैफोल्डिंग के बिना इतना लंबा ब्रिज डेक बनाते वक्त हम सपोर्ट कैसे करेंगे? ये ऐसी समस्या है जिसे पुराने जमाने की खोजों के सहारे ही सुलझाया जा सकता है। इंजीनियर ल्यूक बिस्बी फोर्थ रिवर के पास है, जो स्कॉटलैंड में एडिनबरा के पास है। ये इंजीनियरिंग के ऐसे नमूने को देखने आए हैं जो चाइना के टीम को मददगार साबित होगी। 18वीं सदी में इंजीनियर्स को लंदन और एबरडीन के बीच में सबसे छोटी लाइन बनाने की बहुत जल्दी थी। इसके लिए उन्हें स्कॉटलैंड की ईस्ट कोस्ट पर ट्रैक बनाने की जरूरत थी, लेकिन ये बड़ी एस्टुअरी द फिर्थ ऑफ फोर्थ बीच रास्ते में खड़ी थी और ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल था। तब का ब्रिज बनाने का तरीका था टेम्पररी स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल करना, जो पूरे स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन होने तक पकड़ कर रखता। काम हो जाने के बाद स्कैफोल्डिंग निकाल देते हैं और ब्रिज पक्का हो जाता है। यहाँ स्कैफोल्ड की मदद से ब्रिज बनाना लगभग नामुमकिन है। यहाँ की एस्टुअरी चौड़ी ही नहीं बल्कि गहरी भी है, और अगर आप स्कैफोल्डिंग के पोल्स को उतनी गहरी खाई में लगा भी दें तो यहाँ पर मौजूद मिट्टी और कीचड़ उस पोल को टिकने नहीं देंगे। इस ब्रिज को बनाने के लिए इंजीनियरिंग का एक अनोखा करिश्मा चाहिए, क्योंकि बिना स्कैफोल्ड के एक बहुत लंबा ब्रिज बनाना था और ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। ब्रिटिश इंजीनियर बेंजामिन बेकर ने जब ये काम हाथ में लिया था तब उनकी इज्जत दांव पर लगी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। ज्यादातर काम करने वाले इंजीनियर्स को ही यहाँ आने का मौका मिलता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेकर का हल विक्टोरियन इंजीनियरिंग का ऐसा अनोखा नमूना है
जो दुनिया में कहीं नहीं देखा जा सकता। ये बहुत ही लाजवाब है। ये है ब्रिज। इसे कहते हैं खूबसूरत नजारा। ये 2.5 किलोमीटर का कैंटिलीवर डिजाइन वाला ब्रिज है, जो उस वक्त दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज था। ये अमेजिंग है। हर इंजीनियर यहाँ काम करना चाहता होगा। पर यहाँ पर इतना लंबा ब्रिज बनाना आसान नहीं रहा होगा। लेकिन बेकर के पास एक आइडिया था, जो इंजीनियर्स के ब्रिज बनाने के काम आ सकता था। कैंटिलीवर ब्रिजेस अपने बैलेंस के लिए जाने जाते हैं। टावर के एक तरफ स्टील वर्क का वजन दूसरी तरफ के स्टील वर्क के साथ बैलेंस रहता है। बेकर ने भी ये ब्रिज बनाने में काउंटर बैलेंसिंग का आइडिया इस्तेमाल किया। पहले टावर्स बनाए गए और फिर दोनों तरफ एक साथ ब्रिज बनाया गया। जब भी ब्रिज के एक तरफ बीम लगाई जाती तो बिल्कुल वैसी ही बीम ब्रिज के दूसरी तरफ भी लगाई जाती, और इस तरह खुद ब्रिज ही अपने कंस्ट्रक्शन के लिए स्कैफोल्डिंग बन गया और ग्रेविटी को भी संभाल लिया। ये कमाल का आइडिया था और बेकर का रिस्क उठाना कामयाब रहा। फोर्थ ब्रिज का इस्तेमाल 1890 में शुरू हो गया। अब दिन भर में इस पर से 200 ट्रेन्स गुजरती हैं और साल भर में 30 सफर करते हैं। 130 साल पहले बेकर की लगाई अकलमंदी की वजह से ब्रिजेस को बनाने का तरीका ही बदल गया है। अब इंजीनियर्स को ब्रिजेस को बनाने में उनके नीचे से स्कैफोल्डिंग का सहारा नहीं लेना पड़ता, बस सेंट्रल टावर के दोनों तरफ बैलेंस बना रहना चाहिए। और ऐसा करके कितने भी लंबे ब्रिजेस बन सकते हैं, भले ही उनके नीचे कुछ ना हो। चाइना के बेपैन जैंग फर्स्ट ब्रिज में इंजीनियर्स बेकर के सीधे मगर कमाल के आइडिया को अलग ही ऊंचाइयों पर ले गए हैं। फोर्थ ब्रिज की तरह उन्होंने ये ब्रिज भी बिना स्कैफोल्डिंग के टावर्स के दोनों तरफ इसे केबल से बैलेंस करके बनाया है। कंस्ट्रक्शन के वक्त इस खाई के ऊपर एक एक बीम करके बनाने की बजाय पहले मेन स्पैन को अलग अलग हिस्सों में बनाया गया। फिर दुनिया में पहली बार डेक सेक्शंस को इस स्पैन के नीचे लगाकर बनाया गया। उन्हें अपनी जगह उठाया गया। फिर डेक के किनारे पर जोड़ा गया। इस तरह एक एक बीम करके बनाने के मुकाबले कंस्ट्रक्शन दुगनी तेजी से होता है। सिर्फ 42 महीनों में ही इतिहास में पहली बार इस वादी के दो किनारे आसपास में जुड़ गए थे। लगता है जैसे मैं महीनों से इस ब्रिज पर चल रही हूँ। यकीन नहीं होता ये ब्रिज कितना लंबा है। ये वाकई इंजीनियरिंग का करिश्मा है। लेकिन इस विशाल 730 मीटर के स्पैन पर ट्रैफिक को जाने देने से पहले डिप्यूटी चीफ इंजीनियर लियू बो को एक आखिरी समस्या का समाधान निकालना होगा। इस इलाके में बहुत सारे भारी ट्रक्स आते जाते हैं। इस ब्रिज को डिजाइन करते वक्त हमें उन ट्रक्स के बारे में भी सोचना पड़ता था। यस, आपने इस तरह के हैवी ट्रक्स तो देखे ही होंगे। ये काफी भारी होते हैं। सेफ्टी के लिए एक ब्रिज का मजबूत होना बहुत जरूरी है, खास करके इस तरह के लंबे ब्रिज का। जब भारी गाड़ियां इस ब्रिज पर से गुजरेंगी और ये ठोस नहीं होगा तो डेक नीचे दब सकता है। अगर ये बार बार हुआ तो इससे फटीग होगा, जिससे कि इस ब्रिज का मेटल काफी ब्रिटल हो जाएगा और वो अचानक टूट सकता है। ये ऑर्थोट्रॉपिक डेक 31 सेक्शंस जोड़कर बनाया गया था। इसका फिनिश्ड स्पैन इतना मजबूत है कि कभी नहीं दबता, बीच में भी नहीं। जांच के लिए लियू बो अपने साथियों को वहां ले जा रहे हैं जहां आम लोगों का आना मना है, यानी कि ब्रिज डेक के अंदर। वाओ, ये लाजवाब है। हाँ, ये बात है। हम ऊपर लगा ऑर्थोट्रॉपिक डेक देख सकते हैं। यहाँ तक कि
टॉप प्लेट और यू रिब्स भी। हमने इसमें छोटी रिब्स लगाई हैं ताकि ये भारी ट्रक्स का भी वजन सह सके और हमेशा मजबूत रहे। ये ऑर्थोट्रॉपिक डेक लगाने से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला ब्रिज बनाना मुमकिन हो पाया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ऊंचाई पर इतना बड़ा ब्रिज कैसे बन सकता है। ये इंजीनियर्स का बनाया हुआ सच में एक अजूबा है। मुझे इसे देखकर काफी नाज होता है। हमने कर दिखाया, ये सच में बन चुका है। सच में बहुत खूबसूरत है। ये बेपैनजैंग फर्स्ट ब्रिज इंजीनियरिंग को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये ब्रिज कैसे बन पाता। इस हैरतअंगेज प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली टीम के लिए ये एक सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे जैसे एक यंग इंजीनियर को ये ब्रिज देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है। हमने इसे बनाने के लिए शुरुआत से ही बहुत मुश्किलों का सामना किया है और बनाया है। ये बहुत ही कमाल का है। विशाल गुइजो वैली को पार करता हुआ ये ब्रिज इंजीनियरिंग के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। ये 1.3 किलोमीटर लंबा और नदी से 750 मीटर ऊपर जाने वाला ब्रिज दो विशाल टावर्स पर खड़ा है। इसके 400 किलोमीटर के स्टील केबल्स 20,000 टन के डेक को संभालते हैं। बेपैनजैंग फर्स्ट ब्रिज में मॉडर्न इंजीनियरिंग की लाजवाब तकनीकें इस्तेमाल हुई हैं और इससे आखिरकार सदियों से अलग रहने वाले दो इलाके जुड़ गए हैं। हम अभी वही सफर कर रहे हैं लेकिन अब 5 घंटों की बजाय मुझे उस तरफ जाने में सिर्फ 1 घंटा लग रहा है। ये एक लाजवाब ब्रिज है जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का नजारा होश उड़ा देता है। ये ब्रिज यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल रहा है। इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बीते कल की खोजों से सीख लेकर, खतरनाक चैलेंजेस से जीत कर, इंजीनियर्स ने अपनी हद पार करके इस ब्रिज को बनाया है। जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मेरे लिए ये मेरे बच्चे जैसा है। अब ये बड़ा हो चुका है तो अब समाज में लोगों के काम आ रहा है। इस तरह उन्होंने कर दिखाया है इम्पॉसिबल को पॉसिबल।